हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय सिद्धांत, कैसे हैं? बढ़िया यार। और आज सोचा अपनी कार का वो दूं, थोड़ा सा बताऊं कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पता ही है, दो साल पहले ली थी कोरोना से पहले, बट बहुत सोच के ली थी और तेरी गाड़ी की वजह से अब मतलब इको स्पोर्ट दिल में बस गई थी। और ये पेट्रोल में? हाँ, ये पेट्रोल है। मेरी बस डीजल है और मेरी डीजल में वाइट सेम टाइटेनियम था, आपकी है पेट्रोल में है। और आपने ली थी 2020 स्टार्टिंग में, जनवरी में शायद, BS6 इंजन जस्ट पहले। तो कितनी अभी तक आप ड्राइव कर चुके उसको? यार कोई बात है, कोरोना की वजह से ड्राइव तो बहुत कम हुई है, मतलब 8,000 के आसपास ही हुई है, मगर जितनी हुई है ना उतने में मजा आ गया। मतलब पैसा वसूल, थकावट जीरो, और एक शांत सी लगती है, सॉलिड गाड़ी लगती है। मतलब ओवरऑल सेफ्टी वाइज आपको ये कार काफी अच्छी लगती है? स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि पहले सेंट्रो थी, उसके बाद जब ये आई तो डोर खोलने बंद करने में लगता था, जैसे मैं मेरा बेटा कभी मतलब खोलना भी एक आफत लगता था। बट अब तो ऐसा लगता है कि अगर कोई और गाड़ी को खोलो ना तो हल्की लगती है, कि ऐसा लगता है कि गाड़ी में जाने। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम चेंज किया जब सेंट्रो से, तो थोड़ा लगा कि हैवी है डोर सब कुछ है, लेकिन बाद में ओवरऑल अच्छा। मतलब अगर मैं बोलूं अभी 2 साल के एक्सपीरियंस में आप ओवरऑल कार से कितने सेटिस्फाइड? 100%। एक तो पैसा वसूल, मतलब पैसे जितने, मतलब 10.5 की खरीदी थी मैंने, तो इतने पैसे में बड़ी गाड़ी के जो मजे हैं, जो कंफर्ट है और जो एक होता ना एक शान होती है, तो वो मिली मुझे। वो मिली है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पीछे यहाँ पे हमारा जो इसका व्हील होता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको क्या है? अरे इसी व्हील की वजह से ही तो मुझे पसंद आई थी। मुझे बचपन से था कि मुझे जिप्सी लेनी थी। जिप्सी? ओके। तो मुझे एक स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब ये ली तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि कवर लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कवर अच्छा लगता है। बट पहले उस टाइम क्या हुआ था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसे को वैसे में रुक गई भाई। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने पहले तो शायद व्हीकल कॉस्ट में इसको रखते थे, फिर इन लोगों ने शायद 14,000 या 15,000 रुपए की कॉस्टिंग बता दिया। मुझे ऐसा लगता है मुझे 20,000 कुछ बताई गई। अच्छा, तो मैंने कहा यार मैं अभी रुक जाती हूँ, अभी गाड़ी ली है बाद में लूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने उसको चलाया, जो फील आई ना, एक स्पोर्टी लुक आई, तो फिर मैंने कहा नहीं कवर तो। वही शायद रीजन है कि मैंने भी आज तक नहीं लगाया। मतलब मेरे को ये लगता है कि वो टायर ही शायद उसकी पीछे से लुक बढ़ा रहा है, जिसको अच्छी लगती है वो इसी वजह से लग रही है शायद। तो और मेरे और आप में बस टायर में थोड़ा सा, मेरे सिल्वर अलग तरीके का मेरा था और आपका ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, बेटर था। तो बूट स्पेस में मतलब कैसा लगता है आपको? अच्छा यार, मतलब इसमें मैंने जो, अगर आप वो देखो ना सेल्टोस का, तो सेल्टोस में उन्होंने क्या कर रखा है, एक लेवल का बना दिया है। ओके, जैसे अभी मेरे सामान पड़ा हुआ है, तो सेल्टोस में क्या है कि ये एक लेवल का है। ओके, तो उसमें ना कम लगता है मुझे वो जो बूट स्पेस है उसका। हाँ, इसमें 355 है तो मेरे हिसाब से तो बहुत सफिशियंट है। हाँ, बहुत अच्छा वाला है। ये लाइट अंदर रखी है टूटी? हाँ, वो किसी ने पीछे से ब्रेक मैंने लगाए थे तो पीछे से ही ठोक दी थी। अच्छा। तो कंपनी फिटेड लगवाई, मतलब मात्र 1500 में कंपनी फिटेड, मस्त लगते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैं इसको बंद करूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आपने लाइटली बंद कर दिया, मतलब लगता है कि अंदर सॉलिड है। मतलब इसका कभी एनकैप टेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन सबको पता है कि फोर्ड अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत नोन है। मतलब तो पता नहीं यार फोर्ड क्यों चली गई, बट ये तो सभी को अभी तक डाउट हो रहा है कि मतलब क्या रीजन था कि फोर्ड को जाने का, क्योंकि इतनी अच्छी कार थी इनकी फोर्ड इको स्पोर्ट एंडेवर और इनकी एस्पायर, ये तो कार, और इवन फ्री स्टाइल वगैरह, मतलब ये काफी कार अच्छी चलती थी, चली भी काफी है। हाँ, तो मतलब ब्रेजा के बाद अगर कुछ लोग जाते थे, या तो नेक्सन होती थी या फोर्ड इको स्पोर्ट होती थी। तो और इवन इस बार जब कंपनी बंद हो गई है और 4 महीने अगर हम बात करते हैं ईयरली, अगर ये लोग अपनी काउंट निकालते हैं तो 2021 में 4 महीने पहले कंपनी बंद कर चुकी है, तब भी ये 17 हाईएस्ट सेलिंग कार थी। तो मतलब अगर ये कंटिन्यू बनी रहती और शायद पूरे साल सेल होती तो मे बी 14-13 पोजीशन पे होती है। मैं तो खुद एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने गाड़ी ले रही थी ना, तो घर वाले वही Hyundai का था, क्रेटा लेनी है कुछ है। तो मैंने क्रेटा हमने इवन देखी भी थी, मैं आपके साथ गया था। हाँ, क्रेटा देखी थी, मगर क्रेटा का वही बजट। हाँ, थोड़ा सा ना, ये जो व्हील है ना, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे चाहिए थे मुझे क्रेटा में वो नहीं मिले। तो पैसे भी मतलब मेरा से 4.5 का डिफरेंस था। हाँ, डिफरेंस आ रहा था। हाँ, क्योंकि ये 10 लाख के बजट में बहुत अच्छी पेट्रोल में आपको तो मिल गई थी उस टाइम पे, मतलब और अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रहे थे ये लोग। हाँ, तो मुझे वही, इसीलिए हालांकि मुझे इसमें देखो कुछ अच्छा
भाइयाँ हैं जैसे सॉलिड वगैरह करो, मुझे एक तो देखो क्रेटा का स्पेस ज्यादा है, बढ़िया है डेफिनेटली, वो एक सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है। ए पिलर आपके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ही है ये डेफिनेटली, ये इसमें और नेक्सन में दोनों में इशू है ये। अच्छा, नेक्सन में ये नेक्सन में भी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब हैबिचुअल होना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए ना आपको बहुत थोड़ा सा गर्दन घुमानी पड़ जाती है, स्पेशली अगर आप कहीं माउंटेन्स पे और एकदम कट है तो आपको थोड़ा सा आगे होके देखना पड़ता है, ये डेफिनेटली है। मोरओवर कोई बात, एक हाइट एवरेज हाइट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे चौड़े सब कुछ दिख रहा है, तो थोड़ा सा गर्दन घुमानी पड़ती है। बट उसके अलावा, इस चीज के अलावा मुझे कभी कुछ ऐसी कमी। सिटिंग पोजीशन में आपको कैसा लगता है इसमें, मतलब कंफर्टेबल रहता है? पूरे कंफर्ट है, आपने अपना सीट एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन भी अच्छी खासी, एक डिसेंट स्क्रीन है। मतलब फीचर वाइज आपको लगता है इसमें कुछ और होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लाइटिंग वाइटिंग भी मस्त दे रखी है उन्होंने, कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगती। यहाँ पर डोर में भी अगर आप देखो तो सारे कंट्रोल, बेसिक सारे कंट्रोल है, मतलब हमारे ORVM दोनों यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, हमारे सारे लॉक्स अपना सारे ऑटो मिरर डाउन आपका हो जाता है। स्पेस के मामले में कैसा लगता है, जैसे बॉटल्स रखने की जगह बीच में आपके मोबाइल रखने की? थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी तो ज्यादा अच्छा रहता, स्पेशली जो पीछे वाले डोर्स की ना, मुझे बॉटल्स रखने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, थोड़ा सा उसको होल्डर थोड़ा सा और बढ़ाता। उधर से कोई दक्ष देख रहा है। बेटे को कैसी लगती है आपकी कार? अच्छी। अरे शुरुआत इसी की वजह से हुई थी, ओके, सेंटर में जा रही थी तो जनाब को लगा कि यार मम्मा बस से पीछे थोड़ी सी पार्क करना, सेंटर में थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। अच्छा, स्कूल में फ्रेंड्स के सामने? तो फिर कोई सोचा था कि बड़ी गाड़ी लेनी है। ओके ओके, या मतलब थोड़ा सा एक लगता है आजकल की, हाँ चलो अच्छी। और फिर वीकेंड ड्राइव्स हो या कहीं आप लंबा, मतलब आप शायद अपने होम टाउन जाते हैं इससे? मैं मतलब ऐसा है कि होम टाउन मेरा सहारनपुर में है, 3 घंटे का रन है। एक बार हम कुछ गूगल मैप को कुछ गलत पड़ गया था तो 5 घंटे लगे थे, 5 घंटे बाद भी मैं घर में जब उतरी हूँ ना, बिल्कुल थकान नहीं थी। तो ये बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का कि आपकी बैक को पूरा सपोर्ट देती है और मतलब आप चला रहे हो बिल्कुल ऐसे। हैंडलिंग कैसी लगती है? हैंडलिंग मस्त, बिल्कुल। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, मेरे जैसा बंदा जो मतलब स्पीड इतनी नहीं पसंद करता, 110 पे आप चला रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग का कैसा फीडबैक है, मतलब जैसे कि लाइट लगता है या लगता है कि हाईवे पे और बेटर होना चाहिए था? मैं तो वैसे तो ये अपना हैंडल मतलब बहुत ही अच्छा है। मैंने सेल्टोस भी चला ली, मैंने क्रेटा भी चला ली और मैंने ये भी चला ली, तो सेल्टोस का मुझे थोड़ा सा और लाइटर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन देखो फिर सेल्टोस के थोड़े पैसे भी ज्यादा हैं, सेल्टोस के पैसे ज्यादा हैं। फिर मैम एक ये भी होता है कि जो स्टीयरिंग लाइट होगा वो सिटी में तो अच्छा रहेगा लेकिन हाईवे पे वो उतना बेटर नहीं रहता है, वो थोड़ा सा आप एकदम से झटका करता है। लेकिन हाँ, मुझे कंट्रोलिंग में कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आप सेंट्रो से इसमें मूव हुए थे एकदम से, क्लच का जाता है कि थोड़ा सा हार्ड होता है, मैंने तुमसे भी शिकायत की, मैंने कहा यार इसका गियर कैसे चेंज करते हैं। जबकि मैंने कल एक स्कोडा कुशाक नई कार है, अराउंड वो 20 लाख की थी, उन्होंने मेरी कल कार ड्राइव करी, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इको स्पोर्ट का गियर कुशाक से बेटर है। अच्छा, वही स्टार्टिंग में तो सेंट्रो से जब यहाँ पे जंप करी थी तो ऐसा लगता था यार एवरेज नहीं दे रही है, क्लच हार्ड है। पहले तो एकदम से आपको साइज भी बड़ा दिखता है और ऊपर से ये भी एवरेज भी कम आती है, एवरेज तो मतलब 12 है, बट वही बात है कि मेरी चली बहुत कम है, सिटी में चली। बोला जाता है कि अगर आपने हाईवे वगैरह पे चलाते तो शायद ये 14-15 पहुंच जाती है। हाँ, मतलब अगर थोड़ा सा हाईवे पे आप लाइट फुट रखेंगे तो 15-16 तक का मैंने पेट्रोल वालों से सुना है, मतलब इवन कुछ तो ज्यादा क्लेम करते हैं लेकिन जो एक आइडियल है जो आप कर सकते हैं 15 के आसपास तो है, 15 के आसपास पहुंच जाती, बट मेरी इतनी चली नहीं और जितनी चली बस थोड़ी बहुत सिटी में ज्यादा चली। ये जैसे आगे फोल्ड रखा हुआ है जो हैंडल है, मतलब आपके उसके पास में, ये किस यूज में आता है? ये वाला, इससे ऊपर ये वाला नहीं पता यार, मतलब ये मेरे को भी अभी थोड़े दिन पहले रियलाइज हुआ, इवन मेरे से किसी ने पूछा तो मुझे लगा कि ये मतलब क्यों दिया ऐसे करके, या तो सिर्फ डिजाइन के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ है? यार मैंने कभी नोटिस भी नहीं करा था, मुझे तो बस ये जो स्पेस है पॉकेट जो है वो भाई कुछ अर्जेंट वर्जेंट रखना हो कभी तो उसका। आपके अलावा कोई और कार ड्राइव करता है घर में? नहीं, बस भैया कभी चला जाता है कि भाई इको स्पोर्ट आज मेरे को अपनी दे दे तो। अच्छा, कर लेता, बाकी तो ऐसा बात। तो उनको कैसी लगती है कार? ये अच्छी। अब आपको लगता है जैसे फोर्ड क्योंकि अब चली गई है, मतलब माइंड में थोड़ा आया कि गलत डिसीजन हो गया, नहीं लेनी चाहिए थी? यार देखो उस टाइम जब ली थी तब फैसला सही बिल्कुल ही, उसमें तो डाउट नहीं लग रहा था मुझे, अब लग रहा है यार बट चांस की बात है, आपने एक
चीज ये मुझे ऐसा लग रहा है पैसे वसूल मेरे कर जाएगी, मतलब अच्छी चीज ले ली है हाँ। बट एक दुख थोड़ा सा ये है कि हाँ बनी रहती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, मतलब वो मैम अब सभी के साथ हो रहा है। इवन बीच में कुछ लोग हैं जो होंडा वाले भी डर रहे हैं अब, क्योंकि होंडा की सेल्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो होंडा वाले भी जैसे वैसे देखो तो होंडा सिटी बहुत अच्छी कार है, लेकिन जब होंडा के लोग ये डरने लग गए हैं कि मे बी थोड़े टाइम बाद हमारी कार बंद ना हो जाए या कंपनी ना चले जाए, जीएम मोटर्स आने के बाद हार्ले डिविजन चली गई या फोर्ड चली गई। यार मेरी दीदी ने हुंडई मार्टीज ली थी और जिस दिन ली थी उससे मतलब नेक्स्ट वीक वो बंद हो गई थी। ओके तो पर मार्टीज भी अपने टाइम पे बहुत बहुत चली थी वो गाड़ी। उसके बाद सेंट्रो मार्टी, देखो मॉडल्स आते हैं जाते हैं, बट ठीक है कंपनी जाने से मेंटेनेंस महंगी हो जाएगी, लेकिन जितना आप गाड़ी चला लोगे ना, जितने पैसे में आपको गाड़ी बड़ी गाड़ी मिल गई पैसा वसूल। तो अगर आप कह रहे हो मेंटेनेंस महंगी हो जाएगी, अभी तो आप सर्विस अभी रिसेंटली करा के आए हैं, तो लगा आपको कि कुछ महंगा हुआ है मतलब, या उतनी सर्विस अच्छी नहीं दी है फोर्ड ने? नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मेरी गाड़ी जो पिकअप था ड्रॉप था सब कुछ हुआ, पैसों में मुझे लेबर पे 20% डिस्काउंट मिला, और मतलब कुछ पार्ट के साथ जो मेरे पीछे वाली लाइट, आपने बताया लाइट 1500 की चेंज कराई है, 5,500 का टोटल बिल आया मेरा। 5.5 में लाइट भी है मतलब हाँ, आपकी सर्विस 4000 से कम हाँ, में हुई है हाँ, और ये आपकी 20,000 या फिर 1-2 ईयर वाली थी आपकी हाँ, सर्विस। तो मतलब देखिए 20,000 पे अगर आपकी सिर्फ 4,000 सर्विस आ रही है तो शायद ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी अगर हम जो i10 या ऐसी कार लेके जाएंगे तो उनकी सर्विस इससे ज्यादा की पड़ती है। तो और आप बता रहे कि पिक एंड ड्रॉप आपको इजीली हो ही रहा है कार का। अरे घर वाले मेरे जो मतलब स्टार्टिंग में मेरे डिसीजन से खुश नहीं थे, उन्होंने भी जब ये भैया बता रही हूँ जब गाड़ी चलाई ना, उन्होंने कहा मोना गाड़ी जैसे वो रोड पे चिपक के चलती है हाईवे पर, और जितनी अच्छी इसकी कंट्रोलिंग ड्राइविंग डायनामिक्स इसके बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हैं, कि जहाँ पे अपने स्पीड बनाई स्पीड बढ़ाओ, जहाँ कंट्रोल करनी है कंट्रोल करो। तो ब्रेकिंग या वो आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। अच्छा आपके में सनरूफ नहीं है, आपको लग रहा है कि लेनी चाहिए थी सनरूफ वाली? यार मुझे वही बात है कि जब अब मुझे पता चला जब गाड़ी बंद मतलब ये फोर्ड चली गई और सनरूफ इतने पैसों में मिल रही थी, तो दुख हुआ कि काश मुझे मिल जाती, सनरूफ अच्छी लगती। बट क्योंकि जस्ट थोड़े टाइम बाद मेरे को शायद याद है कि टाइटेनियम में इन लोगों ने ये मॉडल दे दिया था, इन्होंने हाँ, अपना बीच का एक मॉडल बंद किया था थंडर वाला, पैसों का थोड़ा उस हाँ, जम्प आया था उसके बाद, तो जम्प पैसे में थोड़ा आया था, लेकिन उसी पैसे में फिर वो हिल असिस्ट और अपना ये स्पोर्ट्स ऊपर क्या नाम है सनरूफ वगैरह देने लग गए। अपने लगवाए मतलब ये आउटसाइड से आपने लगवाए थे, तो कैसा है इसका कंफर्ट कैसा लगा? अच्छा है। ये कितने के पड़े थे यार ध्यान नहीं मुझे, शायद 1600 के आसपास कुछ का बिल आया था, याद नहीं मुझे उसका। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में क्या कहूंगा मैं कहेंगे, मतलब ये आपको लगता है कि डिसेंट है या लैगी लगता है थोड़ा सा? नहीं लैगी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आराम से अपना कम जब मैंने स्टार्टिंग में चलानी सीखी थी ना, वही बात सेंटर में वो चल करने की आदत थी और ये इतनी साइलेंटली ऑन होती है तो मुझे कई बार पता ही नहीं चलता था ये ऑन हो गई है। अच्छा तो वो मुझे स्टार्टिंग में एक लगा था, मगर वो मतलब विद इन अ वीक में सेटल हो गई थी। मतलब पेट्रोल में वॉइस तो नहीं आती है, देखिए ये तो है हाँ, मतलब पेट्रोल इंजन में बिल्कुल आवाज नहीं आती है, और चेंज कब करना है, टच स्क्रीन भी मेरे को लगता है कि ये बहुत इजीली आप चलाते हो, बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हाँ, हैं, मतलब अगर आपको कंट्रोल्स हैं इसके तो अच्छा, वॉल्यूम के और आप उससे कंट्रोल्स कर लेते हैं। नहीं कुछ चीजें मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगती हैं इसमें, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल सा इसका UI है, बहुत इजीली आप चलते में कर सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन ऑफ भी हो रखी है तो आप यहाँ से अपना बटन सारे यूज कर सकते हैं वो वाले, तो वही बात है यहाँ पे अपना उसमें कंट्रोल्स के वो भी हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, डोर खुला हुआ है, तो ये चीजें भी अच्छी हैं इसकी। एसी भी मस्त काम करता है, एसी आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल है यहाँ पे आगे, दो आपके यूएसबी वो दिए हुए कंट्रोल, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर आपका टेम्परेचर नोट डाउन हो सकता है, जितना भी आप टेम्परेचर पे जाते हैं घर में एसी नहीं चलता है, सेल्टोस में ये चीज नहीं है टेम्परेचर कंट्रोलिंग की, वहाँ पर नॉर्मल जैसे वो कम ज्यादा वाली चीज ऑटोमेटिक नहीं होगा जिस हाँ, मॉडल में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो वाली चीज नहीं है, वो मॉडल आपने शायद ऐसा देखा होगा। अच्छा मतलब उसमें ऑटोमेटिक वाला वो नहीं होगा एसी, तो नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। इवन जैसे हम नेक्सन क्रेज वाले की बात करते हैं उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं है इसी में। अच्छा। तो ये मतलब देखिए वही बात है 1,000,000 में ये आपको इतना अच्छा मतलब 1,500 cc इंजन आपका और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रहे हैं, यहाँ पे आगे इतनी जगह रहती है सामान रखने के लिए, 2 USB पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग है सामान है, और इसका हैंड रेस्ट में भी इसमें अंदर काफी जगह रहती है। तो अच्छा पीछे वाली सीट पे जैसे वैसे आप लोग मतलब कहते हैं कि 3 लोग कम्फर्टेबल नहीं बैठते हैं यार, हाँ ये तो मैं बोलूंगी जैसे अगर एडल्ट्स 3 हैं अच्छे साइज वाले पंजाबी फैमिली के हैं तो थोड़ी सी होती है, बट अगर आप छोटी गाड़ी से कंपेयर करो तो एटलीस्ट ये ऊपर वाला स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, हेडरूम काफी है हाँ।
एक एरिया लगता है. बाकी नॉर्मल साइज के तो आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली मतलब हाँ अब तुम ये कहोगे कि ब्रेजा वैसे इसमें कार में ब्रेजा नेक्सन में पीछे सीट थोड़ी सी ज्यादा इससे बड़ी है लेकिन इतना भी फर्क नहीं है. यार ब्रेजा तो मैंने मतलब चलाई तो नहीं लेकिन उसकी मैंने वो सुनी है कि भाई वो हाईवे पे तो कांपती है वो. नहीं क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा ब्रेजा मारुति उतना नहीं है. तो हालांकि मेरा मन था कि जब मैं गाड़ी लूंगी तो मैं मारुति लूंगी और मैं वाइट नहीं लूंगी. मगर मेरे पापा ने मेरे बीच में डाल दिया था कि बेटा व्हाइट लेगी तो रीसेल अच्छी होती है और व्हाइट को मेंटेन करना अच्छा होता है. व्हाइट को मेंटेन करना कलर गाड़ी जब आप लेते हो तो स्टार्टिंग है 2-3 साल तो अच्छी चलती है मगर जब वो डल पड़नी शुरू होती है ना या गंदी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती. हाँ, है गाड़ी व्हाइट थोड़ा सा जेम कलर है हमेशा अच्छा लगता है. इजीली रीपेंट भी बहुत आराम से होता है. कभी कुछ कराना पड़ जाए टचअप करना पड़े. फैमिली की बात सुन के व्हाइट ही ली थी ना अदरवाइज मैं ब्लैक गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड थी. मैम वैसे तो देखिए अब क्योंकि फोर्ड जा चुकी है लेकिन अगर कोई रीसेल में लेता है तो और उसको सही बजट में अगर कार मिल रही है तो आपके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए उसको क्या? डिपेंड करता है यार कितने की मिल रही है कौन सा मॉडल मिल रहा है. मगर देखो जब कंपनी चली जाती है ना एक ये बहुत ही अब तो नहीं लेनी चाहिए बट अगर हाँ मुझे अगर कोई बेचने के लिए बोले तो मैं बेचूंगी नहीं क्योंकि कोई बात कभी जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि इतने पैसों में ऐसी और गाड़ी मिलेगी नहीं और छोटी गाड़ी लेने में वो मजा नहीं आएगा. मतलब ये खरीदना तो नहीं. फोर्ड के सारे ओनर्स जानते हैं मन में जब वो ये कार हटाएंगे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी अपनी नेक्स्ट बेस्ट कार चूज करने में और वो भी ऐसे कोई प्राइस बजट में. क्योंकि अगर मैं अभी देखूं मेरे को सोनेट नहीं इतनी पसंद आती है. नेक्सन शायद मेरे को लगता है कि इसके बाद मेरा एक सेकंड ऑप्शन हो सकती है बट बहुत मुश्किल है कि मैं सेम अपने सारी जो मन की चीजें इसमें मेरे को मिली थी वो मिल जाए दोबारा से. नेक्सन की यार जो मैं ले रही थी नेक्सन की चॉइस थी तो मुझे नेक्सन की पता नहीं कि लाइट्स की शेप और कुछ है मुझे नहीं ऊपर नहीं पसंद नहीं आया था. लेकिन नेक्सन की अच्छा पुराना मॉडल है ठीक है. तो मैम थैंक यू आपने टाइम दिया ऐसे है ना और और आपने टाइम निकाला सच में मतलब क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं अपनी इको स्पोर्ट लोगों को बता चुका था लेकिन मैंने पेट्रोल का रिव्यू नहीं किया था और आप एज अ गर्ल ये चला रहे हैं तो मतलब एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मतलब इको स्पोर्ट ओनर्स मिलते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है. मतलब और रोड पे अगर मैं पेट्रोल डीजल की अच्छी है चलिए डन डन ओके मैम थैंक यू.